दोस्तों नमस्कार। अगर आप धानी क्रेडिट लिमिट बैलेंस को बैंक पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। सो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलें। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, हमारे पास जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है 750 रुपया है और ये 750 रुपया को बिल्कुल फ्री में मैं बैंक पे ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बिनोमो लिख कर सर्च करना है। तो जैसे ही आप बिनोमो लिख कर सर्च करेंगे तो कुछ इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा तो इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली आपका अकाउंट बन जाएगा। बेसिकली बिनोमो एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप 1 मिनट का या 5 मिनट का ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे किसी को भी ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने धानी फ्रीडम कार्ड के बैलेंस को बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे दो अकाउंट आपको दिखाई देगा। पहला तो आपको यहाँ पे रियल अकाउंट और दूसरा डेमो अकाउंट। तो सिंपल सा आपको रियल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद डिपॉजिट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नया पेज के ऊपर आपको फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे फोनपे पेटीएम बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पे फोनपे का जो ऑप्शन है इसके ऊपर सिंपल सा आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वो अमाउंट एंटर करना है जितना अमाउंट आप बैंक पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए 700 बैलेंस इस एप्लीकेशन इस वेबसाइट पर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 700 लिख दिया और यहाँ पर लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे डिपॉजिट का। तो सिंपल सा आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर यानी कि फोन पे जो भी नंबर पे आप यूज कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिए हैं, सेंड लॉगिन टू ओटीपी के ऊपर क्लिक किए हैं। अब यहाँ पे 5 डिजिट का एक ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आप देख सकते हो हमारे पास ओटीपी रिसीव हो चुका है। तो हम यहाँ पे एंटर कर लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लॉगिन किया यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं बट हमें फिलहाल यहाँ पे कार्ड से करना है, इसलिए सेव कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हमारा जो कार्ड है वो कार्ड हमारे पास ऑलरेडी सेव है। और अगर आपका सेव नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV ये सारा डिटेल्स आपको एंटर करना होगा। तो हमने पहले से यहाँ सेव कर रखा है, हमें सिर्फ अपना यहाँ पे CVV एंटर करना है। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे CVV भी एंटर कर दिया और पे के ऊपर सिंपल सा क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे के ऊपर क्लिक किए फिर से पेमेंट पेज का जो है उसमें हमें रिडायरेक्ट किया गया है। हमें यहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे धानी की ओर से हमें एक OTP भेजा गया है। जब भी आप धानी कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक OTP मिलता है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होता है। तो हमारे पास OTP भी रिसीव हो चुका है और सिंपल सा हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक किया है यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आ गया है, धानी से हमें मैसेज भी आ चुका है कि आपका जो 700 बैलेंस है वो डेबिट हो गया है आपका धानी क्रेडिट लिमिट में से और यहाँ पे इस वेबसाइट में पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है उसी वेबसाइट के ऊपर दोबारा। थोड़ा आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं धनी एप्लीकेशन ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ धनी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही मैंने धनी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन किया मेरे पास टोटल जो लिमिट था वो 750 रुपये का था, जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर 50 रुपया लिमिट बचा हुआ है। अब हमारा जो 700 बैलेंस है इस वेबसाइट के अंदर डिपॉजिट हो चुका है। अब जैसे ही बैलेंस डिपॉजिट हो गया अब मैं आपको बताऊँगा कि इस बैलेंस को कैसे करके आप बैंक के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं।
सो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो अपडेट हो चुका है 700। यहाँ पे टोटल बैलेंस 700 बता रहा है और सिंपल सा इसी के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे डिपॉजिट के साइड में ही एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा जिसको बोला जाता है विड्रॉल फंड। यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने विड्रॉल के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ चुका है लिमिटेड फॉर 24 आवर्स। यहाँ पे बताया गया कि इफ़ यू एक्सचेंज लिमिट फ्री विड्रॉल रिक्वेस्ट द फ्री विल बी 10%। ठीक है, यानी कि एक बार में ही आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे लग सकता है, कमीशन लग सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करने का कोशिश ना करें, ट्रिक्स है, एक दो बार ज़रूर यूज करें, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पेटीएम वैलेट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अमाउंट के एंटर में यहाँ पे 700 डाल देते हैं और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो भी पेटीएम का नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और ये सारा डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे टाइम जो बताया गया है यहाँ पे देख सकते हो लिमिटेड 24 आवर्स, यानी कि अगर एक 24 घंटे में अगर आप एक बार विड्रॉल लेंगे तो बिल्कुल फ्री रहेगा और अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। ये सारा टर्म एंड कंडीशन हमने देख लिया, उसके बाद रिक्वेस्ट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। बट यहाँ पे देख सकते हो कि द मिनिमम अमाउंट विल बी पेड 2000 का बता रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पे अपना पेटीएम को चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना बैंक सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट लग गया। 700 बैलेंस यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एक्सचेंज के साथ में ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी मैंने इसको यहाँ पे अप्रूवल नहीं हुआ है, फिर प्रोसेसिंग और फिर कम्प्लीट। यहाँ पे 24 घंटा का टाइम बताया जाता है बट यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाता है। कुछ इस तरीका से आप अपना धनी क्रेडिट लिमिट को बैंक पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।